अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनली शुरू करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर जो मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स होते हैं उनको वन बाय वन देखेंगे और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमने मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम फंडामेंटल्स होते हैं जिनमें हम अक्सर बात कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो हमने उनको पहले डिस्कस किया अच्छे तरीके से और आज से हम शुरू करने वाले हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को। उसमें हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्या क्या होते हैं और फिर हम उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके भी देखेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिलहाल हमारा मेन मकसद ये होगा कि पाइथन में अगर हम वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो का मकसद क्या है कि हम लीनियर रिग्रेशन शुरू करेंगे जो हमारी मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन सबसे ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एल्गोरिदम होता है जब हम शुरू शुरू में एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो आज हम मशीन लर्निंग के अंदर एक बहुत ही अहम जो लीनियर रिग्रेशन के नाम से या लीस्ट स्क्वायर की टेक्निक जिसके अंदर इस्तेमाल होती है वो देखेंगे कि क्या होता है, इन टेक्निक्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और जब आप इंटरप्रेट करेंगे अपने लीनियर मॉडल्स को, रिग्रेशन मॉडल्स को, तो आपको तब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चले शुरू करते हैं। तो शुरू हम करते हैं इस ग्राफ से। ये ग्राफ आप कुछ भी समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने मैंशन ही किया हुआ, लेकिन हाइट और वेट को भी लिया जा सकता है या मुख्तलिफ दो वैल्यू जिनका हम आपस में रिलेशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उनके, वो मेरे पास हैं। अब इस पॉइंट्स जो हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं या मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट है, तो सबसे मेन हमारे पास होता है कि हम इसका जो पैटर्न है जो वो चेक करें, तो हम एक लाइन बना के चेक कर लेते हैं अक्सर औकात कि ये लाइन स्ट्रेट बन रही है या किस तरह की बन रही है। तो यहाँ पर मैंने ये एक लाइन बनाई है इन पॉइंट्स के ऊपर कि क्या ये लाइन इस पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रही है या नहीं। तो फिर अगर ऐसा हो कि एक ये मैंने लाइन बनाई है, फिर मैंने एक ये लाइन बना दी, यानी कि उसको थोड़ा सा मैंने बेंड कर दिया, और फिर मैंने कहा कि और भी मुझे समझ में आ रहा है कि शायद एक और लाइन भी बन सकती हो, मैंने उसको थोड़ा सा मज़ीद शिफ्ट कर दिया। तो यही मैंने मुख्तलिफ लाइन्स बना के देखी कि ये वाली लाइन भी बन सकती है, ये वाली लाइन भी बन सकती है। मैंने उसको टोटली अगर हॉरिजॉन्टल कर लूँ मैं कि अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ तो ये बेस्ट फिट है या नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास मुख्तलिफ लाइंस की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि लाइन बेस्ट फिट कौन सी है। ये शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि हम वो वाली लाइन से शुरू करें जो हमें लग रहा है कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही जो हमारा ट्रेंड आ रहा है पॉइंट्स का, ठीक है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अगर हम डिटेल में थोड़ा सा मजीद देखें कि इसके अंदर कौन कौन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच किया। अब ये जो लंबी वाली है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और जो ये लाइन लेटी हुई है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब जो मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ की है कि इस लाइन को बेस्ट फिट कर रही है या नहीं कर रही, उसने इस पॉइंट पर टच किया वाई एक्सिस को, उसको मैंने नाम दे दिया बी, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन ही किया हुआ कि ये क्या है 2, 4, 6, 8, उसके यूनिट मेंशन और जो उसके नंबर हैं वो फिगर के मेंशन ही किए हुए, तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर मैं 2 करूँ, ये शुरू कर रहा है 2 से 4, 6, 8, 10, तो ये तकरीबन बी की वैल्यू होती है 8.25 के करीब। तो बी एक कॉन्स्टेंट है जहाँ पर यह वाई की वैल्यू आ रही है इस लाइन को टच करते हुए, ठीक है। और दूसरी बात यह है मेरे पास एक और बात यहाँ पर ये भी, क्योंकि इस लाइन पर टच कर रही है लाइन, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी जहाँ पर ये मैंने वाई की बात की है, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे, अब उन पॉइंट्स को अगर मैं देखूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक एक्स की वैल्यू लेकर और एक वाई की वैल्यू लेकर इस ग्राफ के ऊपर आया हुआ है, इसको मैं अगर जनरली नाम दे दूँ, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पर मैंशन नहीं की हुई कि वैल्यूज, इसलिए हम जनरली इसको कह देते हैं ये एक्स वन और वाई वन है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है एक्स टू वाई टू है, इस तरीके से ये वाला पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री, फिर सो ऑन एक्स सिक्स वाई सिक्स तक पॉइंट्स हमारे पास है। अब ये वाला जो लाइन है ये हमने कहा कि ये बी है, और इस पॉइंट का ये जो ये वाली पॉइंट है इसका इस लाइन के साथ डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई वन और बी के दरम्यान में डिफरेंस, तो बी माइनस वाई वन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये डिस्टेंस की मैंने क्यों बात की है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि हम बेस्ट फिट को चेक करें कि कौन सी लाइन इन वाले पॉइंट्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी फिट आ रही है। इससे पिछली वीडियो अगर आपने देखी और आपको याद हो तो हमने बात की थी कि बेस्ट फिट कौन सी होती है जो हर पॉइंट में से गुजर रही होती है। हमारा मकसद क्या होता है
कि हम ऐसी लाइन लेकर आएं जो हर पॉइंट के अंदर से गुजरी हो, बेस्ट फिट अगर हमारा मेन टारगेट होता है। इसलिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हर पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है, इसलिए हमने ये डिफरेंस चेक किया। इसी तरीके से अगर ये वाला पॉइंट है, इसका मैं डिफरेंस चेक करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा b माइनस वाई टू, और ये वाला पॉइंट b माइनस वाई थ्री, एंड सो ऑन। अब एक और चीज़ यहाँ पर नज़र हमें आ रही है कि दो पॉइंट्स लाइन के नीचे हैं, यानी कि जो पहले दो हमने लिखी हैं, b बड़ा है और ये वाली वैल्यू जो थी y की, ये वाली y की वैल्यू थी वो छोटी थी, तो ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव आ गए। लेकिन जैसे ये लाइन के ऊपर पॉइंट्स गए हैं तो जो b है वो छोटा हो गया, और ये सारे हमारे पास आ गए, b थ्री से लेकर y3 से लेकर y6 तक मेरे पास सारे नेगेटिव आ गए वैल्यूज। तो ये जो हमारे पास कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये जब हम इनको ऐड करते हैं चेक करने के लिए कि टोटल डिफरेंस कितना है पॉइंट का लाइन के साथ, ये हमारा बेस्ट फिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ख़राब कर देता है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और हमें पूरे से तरीके से इंटुएशन नहीं हो पाती। जिस हमने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि सरप्राइज और प्रोबेबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है, लेकिन इंट्यूशन हम किस तरह लेकर आते हैं जब तक हम उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं कर देते। तो यहाँ पर भी यही वाली बात है कि कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और उसकी वजह से हम सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहे। अब एक ऑप्शन ये शुरू में जब मैथमेटिशियन इसको ड्राइव करना शुरू किया था कि हम इसका एब्सोल्यूट ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसिडर करके सब वैल्यूज़ को फिर जमा कर दिया जाए, फिर भी उसमें इंटरप्रिटेशन का मसला आ गया था और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी। फिर फाइनल डिसीजन क्या हुआ कि इन सबको स्क्वेयर्ड कर दिया जाए। जब स्क्वेयर्ड कर दिया है तो उससे क्या हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी हमारी बेस्ट फिट लाइन की वो वाली भी पूरी हो रही थी, कि जो स्क्वेयर डिस्टेंसेज हैं हर लाइन के वो हमें अब सही तरीके से पता चल रहे हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी नहीं कर रहे और हमें सही तस्वीर नज़र आ रही है। अब ये वाला पॉइंट जो हमने कहा है, जो डिस्टेंस है हर पॉइंट का हर लाइन के साथ, जो हमने एक लाइन लिखी है हर पॉइंट को उस लाइन के साथ डिस्टेंस है, असल में वो एक रेजिजुअल है। रेजिजुअल क्या, रेजिडुअल यानी कि एरर टाइम, जो बाकी रह जाने वाली चीज़ होती है वो है। हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम इस एरर को या इस रेजिडुअल को या रेजिजुअल को कम से कम करें ताकि हमारी लाइन बेस्ट फिट के तौर पर आ सके, यानी कि हमारी लाइन हर पॉइंट में से गुजरी हो। तो जब भी हमने ये एक चीज़ लिखी है वो हमने डिराइव कर दी है, वो डेफिनेशन हमने देखी है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेजिजुअल्स, ठीक है, ये हमने ये देख लिया। रेजिजुअल मैंने अभी आपको कहा कि डिफरेंस है हर पॉइंट का लाइन के साथ, ये हो गया। सम क्यों कहें, क्योंकि हमने सबको जमा कर दिया, हमने एक लाइन का देखना था, मुख्तलिफ पॉइंट्स फैले हुए थे, सबको जमा किया, और स्क्वेयर्ड क्योंकि हमने इनका इंटरप्रिटेशन कुछ पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट ना कर दें इसलिए हमने कर दिया। ये हमारे पास हो गया सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेजिजुअल। और आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारा मेन मकसद क्या है, कि हमने इन रेजिजुअल को कम से कम करना है ताकि हमें बेस्ट फिट लाइन मिल सके। अब यहाँ पर हमने पहले भी देखा कि मुख्तलिफ लाइन्स हो सकती हैं, यहाँ पर तो हमने सिर्फ चार लाइनों का जिक्र किया, हमने हॉरिजॉन्टल से शुरू किया, फिर हमने उसको थोड़ा सा वर्टिकल थोड़ा थोड़ा रोटेट करते गए और देखा कि ये वाली लाइन्स हैं। मुख्तलिफ लाइनें हो सकती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, यानी कि हमने शुरू हॉरिजॉन्टल से किया था और हम उसको स्टीप करते गए, मुख्तलिफ रोटेट करते गए। इसका मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के पीछे दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें बेस्ट फिट लाइन मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी, वो हम इस तरह करते हैं। शुरू हम यहाँ से बात करते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या होती है। वो हमने लिखी है ए एक्स प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी। आपने सुना होगा एम एक्स प्लस सी, ये जो एम और सी का डिफरेंस है, यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस है, सिर्फ ये नाम का फर्क है लेकिन चीज़ वही है, यानी कि जो एक्स के साथ आ रहा है हमारे पास कोएफिशिएंट वेरिएबल, वो हमें स्लोप बता रही है, ठीक है, कि हमारी लाइन की स्टीपनेस कितना, और जो बी है वो इंटरसेप्ट बता रहा है। जैसे अभी हमने कहा था वो इंटरसेप्ट, वो वाला पॉइंट जहाँ पर कोई लाइन टच कर दी होती है वाई वाले पॉइंट को, वाई एक्सिस को, और जहाँ पे एक्स एक्सिस जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली चीज़ है वाई इक्वेशन है, तो हमें ए और बी, ये एक लाइन है राइट, हमें ये लाइन बताना है कि ये लाइन हमें मिल जाए, ऐसी लाइन जो बेस्ट फिट हो। तो ए और बी अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, और मुझे इसको मिनिमाइज करना है रेजिजुअल को, तो मुझे इसे प्लग करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर। मैंने पूरे के पूरे छः पॉइंट्स नहीं लिखे, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पर ये प्लग कर दिया है, ये शुरू वाला पार्ट ए एक्स वन प्लस बी माइनस वाई वन, इसी तरीके से आगे। अब इसको मैंने प्लग किया तो ये शुरू वाला जो पार्ट है ये असल में एक्स, ये वाला पार्ट जो है ये असल में पॉइंट है, उसका पॉइंट के ऊपर जो लाइन की वैल्यू आ रही है एक्स एक्स वन, यानी कि एक पॉइंट मेरे पास है वो एक्स वन है राइट, उसके ऊपर कौन सी लाइन की वैल्यू आ रही है,
और इसी तरीके से ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है, हम उन दोनों का डिफरेंस कम से कम करना चाहते हैं। वो कम से कम होगा तो हमें एक बेस्ट फिट लाइन मिल सकती है। तो सारा काम यही आगे कि ए और बी मुझे पता चल जाए कि वो क्या होंगे। अब ए और बी कैसे पता चलेंगे, मैनुअली हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैनुअली काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम अप्लाइड डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं। आपने ये सारी इक्वेशन डालनी है पाइथन के अंदर या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर, स्पेसेस हो गया या मिनीटैब हो गया या कोई और सॉफ्टवेयर हो गया, उसने आपको आपके डेटा के मुताबिक ए और बी जनरेट करके दे देना है। आप इसको मैनुअली अपने हाथ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि बहुत ही छोटा सा लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम है, वो आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बतानी है कि ये हमें किस तरह बताता है, इस पॉइंट से आगे हमें ये कैसे बताएगा कि कौन सा वाला ए और बी हमारे लिए बेहतर है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव इस फंक्शन के ऊपर लगता है और वो हमारे पास पावर रूल लगाकर हमें ये बता रहा होता है कि हमारी डेरिवेटिव की स्लोप जीरो कहाँ पर हो जाती है। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताया, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे वाकिफ ना होंगे डेरिवेटिव यहाँ पर एकदम से कहाँ से आ गया, या आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आप लोगों का रिफ्रेश ना हुआ हो, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पर लाना ज़रूरी इसलिए था कि आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम परफेक्ट लीस्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो हम ये वाली बात कर रहे होते हैं कि एक उस चीज़ का डेरिवेटिव लेकर जो स्टीपनेस है कर्व की, वो असल में डेरिवेटिव के बैक एंड पे डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हुए हमें क्रिटिकल वैल्यू, या फिर हम ये कह देंगे डेरिवेटिव मेरा जीरो है, वो वाला, तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होगा। और वो वाला पॉइंट असल में जो नीचे लाइंस शो हो रही हैं, ये वाली बात है कि यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर उसकी स्लोप तब्दील होती जा रही है। जहाँ पर स्लोप उसकी ज़ीरो हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो ये था जहाँ पर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, तो उसने कह दिया कि दिस इज़ द परफेक्ट पॉइंट जो मुझे बेस्ट फिट बता रहा है, क्योंकि उससे आगे पीछे हमारे पास रेजिजुअल या एरर टर्म हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ये बैक एंड पे काम हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने आपको जल्दी से रिवाइज कराना है कि आपने इसमें से की पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये है कि असल में जब हम लीनियर रिग्रेशन की या लीस्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम ये मकसद होता है कि जो सम है स्क्वायर रेजिजुअल का या एरर्स का, वो हम कम से कम देख सकें। जो हमने कहा था ए एक्स वन प्लस बी माइनस वाई वन, तो डिफरेंस को कम से कम देख सकें, तो लीस्ट रेजिजुअल इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि क्वान्टिफाई अगर हम करना चाहते हैं रिलेशन को, लीनियर हमने एक लाइन बना ली है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने इसको बताना है कि वो हमारा किस तरह अच्छे तरीके से क्वांटिफाई कर रही है रिलेशन को, दो वैल्यूज दो वेरिएबल्स के दरमियान में, तो वो आर स्क्वायर से पता चलेगा। अब आर स्क्वायर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस की वीडियो के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर अगर आपको नहीं पता तो आप उसको जस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, और आपका जो भी सारा लीस्ट स्क्वायर आपने सारा मेथड किया होगा वो किसी काम का नहीं होगा। उसके बाद रिलायबिलिटी मैटर करती है, आपने आर स्क्वायर तो निकाल लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए पी वैल्यू को साथ में ऐड करना ज़रूरी है। अब पी वैल्यू क्या होती है, उसके बाद भी फुल फ्लैश दो से तीन वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि पी वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, उसको इंटरप्रेट किस तरह कर रहे होते हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीनों को अगर हम साल लेकर चलेंगे तो ही हमें एक स्वीट स्पॉट मिलेगा, जो हम कहेंगे कि दैट्स द बेस्ट फिट लाइन लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में, हम उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई भी कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप जाके आर स्क्वायर और पी वैल्यू को रिवाइज करें। मुझे नहीं ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़।